लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये कह रही है मैं इस बात को बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, सिंस नो, मैं पढ़ रही हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई भी इस बात को विश्वास नहीं करेगा दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की संसार में पूरी तरह बिल्कुल अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उसकी फ्रेंड कौन बन चुकी है, डायरी. इसमें पूछते हैं ये क्वेश्चन भी, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, इसको अंडरलाइन कर लें, 16 साल की एक बहन है, मतलब बहन बड़ी है ना, हाँ बड़ी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, अंडरलाइन करें इसको भी, 30 लोगों का ग्रुप छुपा हुआ है, आई कैन कॉल मेरे फ्रेंड्स कह सकती हूँ, आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटियाँ हैं, एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास केवल एक सच्चा दोस्त नहीं है, मतलब उसने कहा कि पापा मम्मी बहन और सारे अंकल आंटी हैं, बट दे आर नॉट अवर ट्रू फ्रेंड, कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है. डायरी तो बाद में बताएगी ना कि डायरी मेरी ट्रू फ्रेंड बनी है. ऑल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, सभी सोचते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो एक अच्छा समय गुजरता है. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, लेकिन मैं अपने आप को दूसरों से किसी भी टॉपिक पर बात करने में समर्थ नहीं पाती, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन रोजाना की बातों में तो कर लेती हूँ, मतलब वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा नज़दीक हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है, मतलब मैं लोगों के साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो पाती, मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ कन्फाइड मतलब मिक्सअप नहीं हो पाते, इन एनी केस, किसी भी केस में दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्वक, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, लायबल का मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है, हम किसी भी चेंज को करने में रेस्पॉन्सिबल नहीं है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी शुरू की. ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखना शुरू करी, हमें सब कुछ बता रहे हैं कि उसकी मम्मी थी, पापा थे, 30 लोग थे, फैमिली थी, लेकिन वो सबके साथ मिक्सअप नहीं हो पाती थी, और अपने मन की जो फीलिंग्स थी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, उसे एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो उसने डायरी को लिखना शुरू किया. वो समझती थी कि पेपर इज़ मोर पेशेंट देन अ पर्सन, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और अपने इस लंबे समय से जिस दोस्त का इंतज़ार कर रही थी उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में फालतू के फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती, द वे मोस्ट पीपल वो डो, जैसा कि अधिकतर लोग करा करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त रहे, एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज माई दिस फ्रेंड किट्टी, तो ये आता है एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था, किट्टी कहा था उसने अपनी दोस्त का. तब ये क्वेश्चन है, वॉट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, वही सब लिखना है कि वो अकेली थी, 13 साल की थी, और उसको ऐसा लगा वो संसार में बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ बहन थी लेकिन किसी के साथ भी मिक्सअप नहीं हो पाती थी, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती थी डायरी के साथ, शी वॉज एबल टू शेयर हर फीलिंग्स. वाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एने एक डायरी क्यों रखना चाहती थी, यही बताना है, वो अलोन थी और अपनी फीलिंग्स तो किसी शेयर करना चाहती थी, उसे एक ट्रू फ्रेंड की जरूरत थी. एक समरी टाइप बाद में होती है, वो यही है, सब में यही आंसर चलेगा इसमें. वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन द पीपल, क्यों सोचती थी कि डायरी के साथ ज़्यादा मिक्सअप होगी, पीपल के साथ नहीं, पेपर एक पेशेंट, तो उसने बताना है कि पीपल इम्पेशेंट हैं और पेपर जो है पेशेंट है, बस मतलब वही 4-5 लाइन है, एक पैराग्राफ टाइप का सब कुछ भी आएगा वही लिखना है. आगे पढ़िए. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, हाँ तो ये कह रहा है कोई भी जो मैं अपनी किट्टी को जो स्टोरी लिखती हूँ किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मतलब अगर कोई चीज़ों को सच में घुसने की कोशिश करे तो मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच मतलब शॉर्ट में अपना लाइफ का लिखती हूँ चीज़ें.
much as I dislike doing so. और मैं ऐसा करना बहुत नापसंद भी करती हूँ, लेकिन किसके साथ शेयर करती हूँ जो प्रॉब्लम्स हैं? केटी के साथ. My father, the most adorable father. Adorable का मतलब lovable. मतलब मेरे पापा संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता हैं. I have ever seen. जिन्हें मैंने अब तक देखा है. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. हाँ, तो कह रहा है उसने मेरी मम्मी से जब तक शादी नहीं की. पापा कितने के हो गए थे? 36 के. और मम्मी कितने की थी? 25 की. माय सिस्टर मार्गोट वाज, ये अंडरलाइन करेंगे, उसके सिस्टर का नाम था मार्गोट. मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी का, वहाँ पैदा हुई थी 1926 में. और उसने कहा मैं पैदा हुई 12 जून 1929 में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. जब तक 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही थी. माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड. इमिग्रेटेड मतलब होता है मूव कर जाना. तो मेरे पापा फ्रैंकफर्ट से कहाँ चले गए? हॉलैंड में चले गए 1933 में. माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. सितंबर में मतलब मेरी, इसका पूरा नाम है याद कर लेना भाई. तो ये भी चली गई. व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एजेंट टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. तो ये कह रहा है कि मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए. मार्गोट और उसको दोनों को एचएन एक्स शहर का नाम है, एचएन में भेज दिया गया उसकी दादी के घर रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. हाँ, तो दिसंबर में मार्गोट चली गई वहाँ पे हॉलैंड, और ये फरवरी में चली गई. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. हाँ, ऐसा लगा, प्लंक डाउन मतलब पटक दिया गया. जब फरवरी में उसका बर्थडे आता था ना इसकी बहन का, ये कह रहा है मेरी बहन के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे उसके सामने पटक दिया गया कि भाई तुम्हारी बहन आ गई. I started right away at the Montessori nursery school. तब मैंने Montessori nursery school शुरू किया. I stayed there until I was 6. जब तक 6 साल की हो गई तब तक ये वहाँ पे रही हॉलैंड में. At which time I started in the first form, in the sixth form my. एक मिनट. At which time 6 साल की उम्र में इसने क्लास फर्स्ट में पढ़ना शुरू किया. फर्स्ट फॉर्म मतलब क्लास फर्स्ट. In the sixth form, my teacher was Mrs. क्यूपरस. ये अंडरलाइन करेंगे. जब वो सिक्स में आ गई तो उसकी टीचर का नाम क्या था? मिसेस क्यूपरस. द हेडमिस्ट्रेस. वो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. हाँ, तो ये कह रहे कि जब हम जब ईयर का एंड आया तो हमारे दोनों के आंसू थे क्योंकि उनकी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो रही थी, वो जा रही थी. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. तो समर में 1941 में उसकी दादी बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. हाँ, ये आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालें. इसलिए इसके बर्थडे पे लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, ये आ चुका है कि उसका बर्थडे क्यों नहीं ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा सका था. हाँ, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. हाँ, 1942 में मर भी गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई भी नहीं जानता कि मैंने उनके बारे में कितनी बार सोचा और मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज